दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसका एक वादा था जो उन्होंने अनाउंस करके पूरा भी किया कि महिलाएं जो हैं वो मुफ्त में डीटीसी की बस में चलेंगी, लेकिन फिर ये पाया गया कि बहुत सारे ड्राइवरों को ये लगता था कि इनको चढ़ा लेंगे, ये एक सीट पर बैठेंगी, पैसा देंगी नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो फिर हम टिकट का पैसा कैसे बनाएंगे। तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी कि महिलाएं बस स्टॉप पर खड़ी हैं, बस जो है वो रुकी नहीं रही है, बस स्टॉप से सीधा आगे चली गई। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार क्या एक्शन ले रही है ये बता रहे हैं शरद शर्मा। दिल्ली के आईटीओ के पास तिलक ब्रिज बस स्टॉप पर महिलाओं के कहने के बावजूद ये बस नहीं रुकी। महिलाएं बस के पीछे भागती रह गई लेकिन ड्राइवर बस भगा ले गया। ये वीडियो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते क्योंकि महिलाओं का सफर फ्री है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने जानकारी दी कि उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया है और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए डीटीसी में बाकी सभी को जागरूक किया जाएगा। उनको तुरंत हमने उनको ड्यूटी से हटा दिया है और एक इंक्वायरी चालू कर दी गई है। इस पे और हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि किस प्रकार से हम ड्राइवर्स को भी सेंसिटाइज कर सकें कि भाई अगर महिला यात्री हैं तो फिर आपने गाड़ी को जरूर रोकना है, बस को जरूर रोकना है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2019 से महिलाओं के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी थी। इसके बाद कई बार महिलाओं की ये शिकायत आती रही है कि वो बस में चढ़ने की कोशिश करती हैं तो ड्राइवर बस आगे ले जाते हैं, उन्हें चढ़ने नहीं देते या उन्हें देखकर बस रोकते ही नहीं। यू स्टैंड पे मतलब बस रोकते नहीं है, जो 623 वाले है ना, पीली वाली बस होती है, ये रोकते नहीं है, बस चले जाते हैं। तो फ्री में लेडीज चढ़ रही है। अच्छा, और बस में इतनी लड़ाई हुई, अभी 15 दिनों के बहुत तक लड़ाई हुई है। अच्छा, हाँ, लेडीजों का फ्री, जेंट्सों का फ्री क्यों नहीं है, लेडीजों का फ्री टिकट है। अच्छा, मैंने मैक्सिमम देखा है कि एसी बसेस जो है समर के टाइम में रुकती नहीं है। अच्छा, हाथ भी देते हैं हम लोग, नहीं रुकती है। कारण क्या होता है कि आप फ्री यात्रा करते हैं इस वजह से? अब ये इसके पीछे कारण क्या है मैं नहीं जानती हूँ प्रॉपरली, बट काफी बार नहीं रुकती है और आगे पीछे जैसे नॉन एसी आ रही है तो वो रुक जाती है और ये निकल जाती है। अब तो सही चल रही है काम, बस कभी कभार शुरू में कराया ये काम। अच्छा, क्या हुआ था शुरू में? शुरू में बसें कम रोकते थे, जहाँ पे लेडीज देखते थे वहाँ पे रोकते नहीं थे। अच्छा, लेकिन अब काफी टाइम से सही चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ जी, दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर की मिलाकर करीब 7,400 बसें हैं, सभी का संचालन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। इन बसों में रोजाना लगभग 41 लाख लोग यात्रा करते हैं, इनमें से 31% महिला यात्री होती हैं। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2023 तक कुल 112 करोड़ बार महिलाएं मुफ्त में यात्रा की सुविधा ले चुकी हैं। इस एक मामले में हुई कार्रवाई से उम्मीद कर सकते हैं कि आगे से महिलाओं को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो अपनी यात्रा सुविधा और सुरक्षा के साथ पूरी कर पाएंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।